और वो देखो जी मम्मी जी कर रहे हैं अंदर पूजा। जय ये शिवलिंग देख। तो तब से पता लगा लोगों को कि यहाँ पे एक शिवालय है। और देखो जी सब पहुँच गए। जय 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 मंदिर में घंटी भी बना। और फूल देखो कितने सुंदर फूल है दोस्तों। वाह ये देखो कितने सुंदर फूल पहाड़ी दोस्त फूल है ये ऐसा ही एक फूल बुरांस का भी होता है। बुरांस का फूल भी दिखाऊंगा आपको। और देखो दोस्तों ये नेचुरल पानी है बिल्कुल। आह वाह जय हो जय 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 शिवालय। जेठू जी आप जाओ ना साथ में दीदी के माचिस। अच्छा हाँ माचिस देख। तो ये देखो जी जय। और वो देखो जी मम्मी जी कर रहे हैं अंदर पूजा। आ जाओ बेटा प्रज्वल दृष्टि का। हाँ दृष्टि यहाँ पे लो। और देखो नंदी महाराज जी बैठे हैं। नंदी महाराज देख रहे हैं अपने आराध्य को देख रहे हैं। और हटिए जय 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 पूजा हो रही है। जा मम्मी मम्मी के साथ मम्मी पापा के साथ जा 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 बेटा नीचे बैठ बेटा वहीं बैठ जा। अभी रुक जाओ पानी लेके आ रहे हैं ना जल। आ जाओ ले पकड़ के रखना बस। दादी के साथ टेक लेता जो भी। हर हर महादेव की जय। ओम तेम कम जाम हे सुनिए पुष्टि वचनम वर्त ये पैसा है ना चल मैं तो आई हुआ फोपा जी तो चले जाना देश को बाली दा ये पुष्टि शिवलिंग के ऊपर वो खाले बाबू के साथ ही आ जा मेरे। अच्छा जो हां जाओ रोशनी आओगे नीचे तो सभी। और दृष्टि तो ना भाई बहन भी दादी से भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए जय भोलेनाथ के पास करो। बोलो माथा टेक ले जा इसको भर के ले जा। आ जा बेटा जय ये शिवलिंग देख। हाँ ये जो पत्थर दिख रही है ये शिवलिंग देखो। नंदी भगवान जी से सब मांग रहे हम भी मांगेंगे थोड़ा थोड़ा सीख लगाएंगे। जय हो और दोस्तों जिस मंदिर में हम आ रखे हैं ना इसकी खासियत ये है क्यों यहाँ पे आए हैं क्योंकि इसकी बहुत मान्यता है। और यहाँ पे ना पहले कुछ नहीं था पहले ये जंगल सही था मतलब। और जहाँ पे इस समय शिवलिंग है अंदर वहाँ पे भी पता नहीं था लोगों को वहाँ पे झाड़ वगैरह ऐसे थे लेकिन ऐसा था कि भी एक बार किसी ने देखा एक गाय को ना वो रोज़ यहाँ पे दूध अपने थन से खुद चढ़ाने आती थी गायें। तो एक बार उसके मालिक ने उसका पीछा किया कि इसका दूध कहाँ जाता है तो क्योंकि दूध होता है गायें चरने भी जाती है लेकिन दूध नहीं दे रही कहाँ है। तो उन्होंने एक दिन देखा तो यहाँ पे आके वो अपना दूध चढ़ाती थी। तो तब से पता लगा लोगों को कि यहाँ पे एक शिवालय है। तो हाँ तो इसकी बहुत
ज़्यादा मान्यता है भिन्नता में है। देखिए ये देखो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लोगों ने अब तो रिहाइश भी हो रखी है। ये देखिए अखरोट का पेड़ है, वहाँ नारंगी लग रखी है, बीच में देखो केले हैं, ये हल्दी लगा रखी है और मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये फूल देखो कितने सुंदर फूल है, वाह। और ये गुड़ेल के फूल, ये माता रानी के लिए बहुत ही शुभ, माता रानी बहुत अच्छे लगते हैं गुड़ेल के फूल। बिनता नैल, हाँ जी बिनता, बिनता नैल है ये यहाँ का। तो दोस्तों आपने गाना सुना होगा पहाड़ी भेड़ूपा को बारू मासा, और ये देखो कल्चरल सॉन्ग हमारा। और ये देखो ये है बेड़ू, ये बेड़ू के पत्ते, ये भी बहुत होंगे कि कच्चे? अभी नहीं कच्चे हैं, कच्चे हैं अभी, कच्चे हैं। देखो ये छोटे छोटे बेड़ू हैं, ये सब लग रखे हैं। और ये जो पक जाते हैं ना बहुत ही मीठे, बहुत ही स्वाद, कुछ कुछ बारो मास होते हैं ना तो उसको बोलते हैं बेड़ू पाको बारो मास। सामने आपको दिख रहा है ये बारो मास ही होते हैं। और इनको ये हिसालू के, हिसालू का पेड़ मैंने दिखाया अभी, हिसालू इसमें से, हाँ ये देखो ये छोटे छोटे, ये हिसालू बेरीज मतलब इसको कहते हैं क्रैम बेरीज की वो हुआ है ये को। और ये है किलमोड, हाँ ये खट्टे खट्टे होते हैं, ये हरे जो दिख रहे हैं ये खट्टे खट्टे हैं, और ये जो लाल है ये मीठा होता है। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो लाल लाल है ये मीठा है, ये जो खट्टा है, लेकिन ये आधा खट्टा आधा मीठा है, तो इसको खाने में तो मजा आया। पर इसके मैंने खाया नहीं किलमोड़ इस बार, कैसा कीड़ा है खाया हुआ है। और दोस्तों इसका बीज नहीं खाना होता, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। और दूसरा मैं इसका बताता हूँ, इसकी जो जड़ होती है ना वो पीलिया के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होती है इसकी जड़। ये किलमोड़ शुगर के लिए भी बढ़िया होती है, हाँ इसकी जो जड़ है बहुत कीमती होती है दोस्तों, शुगर के लिए, पीलिया के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती। ये देखो दिखाते हैं, तो देखो हमारे देवभूमि में इस तरह की औषधियाँ मिलती हैं। जो लाल ये देखो दोस्तों ये पके हुए, ये पक रखे हैं बिल्कुल मीठे होते। और ये देखो दोस्तों कितना बड़ा बांज का पेड़ है, इसीलिए यहाँ पे ना कभी पानी की कमी नहीं होती है। देखो बांज के पेड़ के पास पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है और पानी बिल्कुल मीठा ठंडा। ये देखो जी हिसाऊ खाने के लिए, इनको हिसालू खाने के लिए, मतलब पहाड़ी में तो हिसाऊ बोलते हैं, हिसाऊ टोन चेंज हो जाती है, वैसे शब्द वही रहते हैं, शब्द थोड़ा सा बद सुनने में बोलने में अलग हो जाता है। और ये देखो जी ये चीड़ के पेड़ का आपने देखा ही होगा कई फिल्मों में, मूवीज में दिखाते हैं, इसको ठेठ बोलते हैं हमारे, वाह कितना सुंदर। पुष्पा जलाने के काम आता है ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखो जी इसका पेंट भी कर सकते हैं, हाँ इसको पेंट करके इसका अच्छा सा वो भी बनता है। ये है पहाड़ का ठेठ, और देखो सब जा रहे हैं, इसके अंदर से ना बादाम निकलते हैं, दाम इसी का दाम कह रहे थे। देखो ये वो देखो स्टाइल जेठो जी का स्टाइल, अरे वाह जेठो जी, और हमारी दीदी जी फोटो खींच रहे हैं जेठो जी की, वाह। तिमिल का पेड़ देखा है, जो पहाड़ी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तिमिल बोलते हैं इसमें छोटे छोटे, ये देखो ये लगे हैं, इसी का तो सुखा के अंजीर बनता है इस, नहीं नहीं अंजीर उसका बनता है, बेड़ू का अंजीर। देखो ये जो छोटे छोटे लगे हैं ना, पापा फोटो खींचना, ये तिमिल है सब लगे हुए गोल गोल, देख रहे हो दोस्तों ये। तो दोस्तों इसमें रिफ्रेशमेंट चल रही है, देखो मंदिर सब गए थे खाली खाली आए थे, तो खाली पेट हम मंदिर गए, तो वहाँ पूजा पाठ करी, जल हल चढ़ाया, तो ये नमकीन लेके आए बच्चे, इनको भूख लगी थी, मैंने कहा चलो नमकीन खा लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, फिर घर जाएंगे दोपहर का खाना घर पर खाएंगे, फिर बिगड़ पूजा पाठ का हम कुछ नहीं खाते बस। तो फ्रेंड्स हो गया खाना पीना सबका, थोड़े थोड़े से स्नैक्स ले लिए, और देख लो जितने लिफाफे वहाँ जो बचे थे ना बिस्किट के नमकीन के, मैंने यहाँ पे रख लिए अपनी पॉकेट में। ये देखो जी ये सारे खाली पैकेट हैं, इनको सब मैं वहाँ जाके फेंकूँगा नीचे, ठीक है ना। तो हमने कोई गंद मंद नहीं बचाया है, और पहाड़ों की इसी तरह से आपको भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो ऐसे कृपया गंद मंद ना फैलाएं, अपने साथ जो खाने के लिए जो सामान लाते हैं उसके जो वेस्टेज है सारी अपने साथ लेके जाओ, किसी कूड़े के डस्टबिन में डालो। ये चीज़ मैं कहता हूँ वीडियो बना ले। और दोस्तों ये देखो ये लकड़ी जो है ना इसको बिरोजा, ये देखो ये बिरोजा लगा हुआ है इसमें, ये देख रहे हो ये गोंद, ये बहुत महंगी होती है,
ये देखो ये ओरिजिनल लिस, यहाँ पे इसको लिस बोलते हैं। और ये जो लकड़ी है ना ये बहुत तेज आग पकड़ती है, और इसको इसको छिपल बोलते हैं, छिपल बोलते हैं, छिपल छिपल कोई अलग अलग भाषा। ये देखो इसमें आग एकदम से लग जाती है, और इसकी हम जलावन के लिए मतलब एकदम से जलाना हो ना, रात को कहीं जाना हो तो इसको ये होता है चूल्हा जलाने के लिए, जलावन ही है ये भी, जलावन नहीं जलाने के लिए। ये देखो ये लिस देखो क्योंकि रास्ते में गिरा हुआ है पेरू। देखो जी सब जा रहे हैं और पुष्पा मेरे साथ जा रही है, मस्त जुड़ी ब्लॉग्स फिसल जाती है। हाँ पुष्पा फिसल जाती है, इसलिए मस्त जुड़ी ब्लॉग्स मेरे साथ रहने का थोड़ा सा ऐसे हो। हाँ रास्ते में यहाँ पे एक साथ चलना मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो ये फिसलने के यहाँ पे पूरे पूरे चांस होते हैं। और इसको इसको बोलते हैं खड़ंच, और बहुत संभल संभल के गांव वालों को आदत होती है, वो तो इस समय ऐसे दौड़ जाते हैं यहाँ से फटाफट घर पहुँच गए। हाँ हमको कम से कम 20 मिनट हो गए इस पे चलते हुए, क्योंकि जितनी तेज चढ़ाई लग रही थी ऊपर को, अब उतने ही पैरों में ज़्यादा थकान होती है, वैसे उतरते समय पैरों में ज़्यादा थकान होती है। दोस्तों ये देखो ये जो डिज़ाइन मैं रखा है इसमें से बिरोजा निकाला हुआ है, देखो ये सारे इस तरह से डिज़ाइन करते करते करते, ये डिज़ाइन नहीं है, ये बिरोजा निकालने के लिए इस पर चीरे लगाते हैं फिर इस पर से। और ये देखो चीड़ का छोटा सा पेड़, ये देखो बाबू भली जाना पापा, आराम से बिल्कुल आराम से चलो जी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए। वो देखो दोस्तों वो कपड़ा जल रुक जा, देखो कैसे भाग रहे हैं इनको सजा रहे। हम तो बुड्ढे बंदे हो गए, पहले हम भी बचपन में ऐसे भागते होते थे, हमको रोकते रह जाते थे, मार भी खाते थे हम, लेकिन फिर भी अपने तरीके से चलते थे, तो बच्चे अपने तरीके से ही जाएंगे। डोंट वरी प्रज्वल देखो कहाँ पहुँच गया, छप छप करके कितने नीचे चला गया। और ये देखो जी क्या इस समय बादल लगे हुए हैं, खूबसूरत नज़ारे देखो, इतने ऊपर से आए अभी अभी नीचे जाना है वहाँ घर की तरफ, और सब जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखो कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य, चलो चलिए चलते हैं। और पत्थर देखो कैसे हैं, ओहो ध्यान से पुष्पा आराम से चलो। तो ये देखो जी ये नाशपतियाँ छोटी छोटी और रखी हैं, देख रहे हो इसमें छोटे छोटे, एक नाशपति का पेड़ है इसमें छोटी छोटी नाशपति लगी है अभी। और दोस्तों देखो घर पहुँच गए हैं, और ये गाय जो है ये चाचा जी की हैं, गैया गैया के साथ बच्चिया, दोनों बच्चे हैं बच्चिया, हाँ दोनों बच्चे ही हैं, गैया तो उधर बंधी हुई है, देखो दोनों बच्चे हैं। तुम नीचे आराम कर लो, थोड़ी देर पैर सीधे कर लेना, चाय बना के लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक। और ये देखो ये अखरोट है, देख रहे हो दोस्तों ये अखरोट है, जब बड़े हो जाएंगे तो, पर बंदर नहीं छोड़ते ना अब, यहाँ पे कहने को आया है कि बंदर, सुनने को आया है कि बंदर नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे। और देखो बादल हो रहे ऊपर कितने सुंदर लग रहा है, ओहो हो मतलब इस समय स्वर्ग से कम वाली फीलिंग नहीं है, जो यहाँ का मौसम है उस हिसाब से। वाह देख रहे हो दोस्तों क्या बादल लगे। और दोस्तों चलो ओहो हो वाह वाह, अंदर कमरे में बैठते हैं यार थोड़ी देर, जूते वूते उतारते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं यार। तो जी कब करते हैं लंच, तो लंच में बनाया दाल, ये बाड़ी जोई, ये बथुए की सब्जी, चौलाई की सब्जी है और मस्त। और ये देखो दुल्हा जी खा रहे हैं मिर्ची, मिर्ची का मजा ले रहे हैं। दोस्तों खाना वाना हो गया, और इधर देखो डांस चल रहा है। दोस्तों मैं देखो एडिटिंग कर रहा था अपनी, बैठा हुआ यहाँ पे देखो सब व्यवस्था इस तरह से है, सारा सामान ऐसे फेंका हुआ है, ये देखो है ना, खाना खाना खा के मैं बैठा हुआ था अंदर। और ऊपर देखो बादल पूरे घनघोर छा गए हैं, ओहो देख रहे हो। और देखो ये कितने जबरदस्त बादल लगे हैं, और बच्चों की तो ऐसे रखी है क्रिकेट खेल रहे हैं, ये स्टाइल ये लोंडो का स्टाइल खेल रहे हो ना, अभी रूल बताता हूं मैं, रूल सुन लो, आज जो करना रन निकले, रन है ये लाइन उल्टा नहीं छोटी जगह है, फिल्टर बहुत है, अगर किसी की गेंद ना थप्पा खा के नीचे चलेगी ना वो आउट है, और ये रूल ये जो मारेगा वो लेके और ये देखो जी पूरे बादल बादल लगे हैं, कितने जोर से आप आवाज सुन रहे हैं दोस्तों, पूरा इधर को भी बादल बादल से लगे हैं। शादी का घर है तो इस तरह का मौसम बनना अच्छी बात नहीं है, मुझे तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा, क्योंकि दो दिन का जो अगला चलो आज होंगे तो हो जाएगा, कहता हूँ
आज वैसे तो हो जाए लेकिन कल परसों बिल्कुल नहीं। वो इतनी मेहनत लगती है, इतना सब खर्चा होता है और वो पहाड़ों में ये चीज़ें व्यवस्थित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो ये कहूँगा भगवान जी जो बारिश होने आज होगा कल परसों बिल्कुल नहीं। देख रहे हो कितना तेज हिल रहा है और बिजली चमक रही है। और दोस्तों ये देखो बारिश बहुत तेज होने वाली है, होने वाली क्या होने लगी है। देखो कितने मोटे मोटे छिट्टे पड़ रहे हैं। ओए बारिश में मत भीगो, चलो। दोस्तों ये देखो बारिश में इनका मैच चला हुआ है। ये देखो फील्डिंग मैदान थोड़ा बड़ा हो गया ये। ओए अंदर चलो, रजू तेरे को नहीं सुन रहा बारिश में मत भीगो ना। But if I lay down and I play dead